चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर इंपल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एंगुलर इंपल्स के सिंबल का अगर बात करें तो देखो, हम लोग पढ़े थे पहले इंपल्स, याद है क्या? इंपल्स पढ़े थे सेंटर ऑफ मास में, किसी फोर्स किसी ड्यूरेशन के लिए हम इंपल्स निकालते हैं, इंटीग्रल फोर्स इंटू डीटी उस टाइम इंटरवल के लिए। उसी तरह हम लोग किसी टॉर्क का किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए एंगुलर इंपल्स निकालते हैं। जैसे फोर्स के लिए निकालते हैं इंपल्स, वैसे टॉर्क का निकालते हैं एंगुलर इंपल्स। तो वहां पे हम इंपल्स के लिए सिंबल I यूज किए हुए थे, इसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे। सिंबल इसमें बहुत ही है, बहुत लोग J भी यूज करता है उसके लिए, बट हम अपना सिंबल बता रहे हैं। I यूज करेंगे, हम लोग वहां पे यूज किए थे, इसके लिए J यूज करेंगे। J वेक्टर एक्चुअली है क्या? तो किसी भी गिवन टॉर्क के लिए, किसी भी गिवन टॉर्क के लिए हम लोग टॉर्क डिफाइन करते हैं, एंगुलर इंपल्स डिफाइन करते हैं, सॉरी, वह टॉर्क टॉर्क इनटू डीटी, यही हम लोग डिफाइन कर रखे हैं। उस टॉर्क का उस गिवन इंटरवल में, टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर इंपल्स है, जी वेक्टर। सिंपल हम वैसे डिफाइन कर, ये तुम्हारा किसी भी टॉर्क के लिए किसी गिवन टाइम इंटरवल में एंगुलर इंपल्स का डेफिनेशन हो गया। चलो, टाइम अपना कुछ इनिशियल टाइम होगा, कुछ फाइनल टाइम होगा, वो लिमिट तुम्हारा हो जाएगा टी इनिशियल टू टी फाइनल। मैं बोला पहले 3 सेकंड में, तो लोअर लिमिट 0 ले लो, अपर लिमिट 3 ले लो, जान रहे हो तुम लोग। जो जिस टाइम में तुम्हें निकालना है उस टाइम के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, इंटीग्रल टॉर्क डीटी। तो तुम्हें उस टॉर्क का उस टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर इंपल्स आएगा वो तुम्हें पता चलता है। चलो ठीक है, अब चलो, ये तो हो गया डेफिनेशन एंगुलर इंपल्स का। ऑब्वियसली यहाँ अगर हम लोग देखें तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये दिखना चाहिए नेचुरली। तुम लोग जो टॉर्क क्या है, वेक्टर इंटीग्रेशन करोगे तो वेक्टर ही आने वाला है। तो जो तुम्हारा जी एंगुलर इंपल्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज हम ओरली बोल रहे हैं। तुम लोग इतना मैच्योर हो गए हो, बोल रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हो कुछ। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब एंगुलर इंपल्स का डेफिनेशन हम कर लिए, ठीक है, इसी को लेकर फिर हम थ्योरम पढ़ेंगे। जैसे वहां पे इंपल्स डिफाइन किए थे और फिर आया था अपने पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ध्यान है क्या? उसी तरह यहाँ पे एंगुलर इंपल्स डिफाइन करने के जस्ट बाद हम लोग निकालने वाले हैं, थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। वो नेक्स्ट पेज में, इसमें कुछ है नहीं खास, थोड़ा सा टॉपिक है, जस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, इस डेफिनेशन और क्वेश्चन की अगर बात करें, जनरली बहुत ज्यादा यूज करना नहीं पड़ता, बट देख लो अगर जबरदस्ती का मैथ्स का क्वेश्चन बनाना हो तो बनाया जा सकता है। सिंपल से हम एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोग जान रहे हो, तुम्हें बोल देंगे टॉर्क किसी फोर्स का टाइम के साथ वैरी कर रहा है इस तरीके से, टी स्क्वायर माइनस 3, या कुछ भी दे देंगे तुम्हें। अब बोला जाए कि इस टॉर्क का पहले 4 सेकंड में कितना आएगा इंपल्स, तो सिंपल इंटीग्रेट कर लो। अगर पूछा इसका इंपल्स एंगुलर इंपल्स और पूछा तुमसे, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लो जितने भी टाइम के लिए बोल रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी कर लो, और जितने भी टाइम के लिए बोले टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी। तुम्हें अगर टॉर्क का कोई वेरिएबल फंक्शन दे दे, पहले 4 सेकंड ने बोला तुम्हें, तो 0 से लेकर के 4 सेकंड तक 0 और ये 4 सॉल्व करना जान ले। ठीक है, पास का डेफिनेशन नोट कर लिए, वेक्टर क्वांटिटी भी जान लिए, कैसे निकालना है सिंपल यही बता दी तुम लोगों को। अब टॉर्क का डायरेक्ट ना फंक्शन दे करके वो तुम्हें फोर्स का फंक्शन दे, तो क्या हो गया? फोर्स से टॉर्क निकाला तुम लोग जानते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दो। चलो, अब आते हम लोग थ्योरम पे जो एंगुलर इंपल्स से रिलेटेड है। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तुम लोग को ध्यान है क्या, क्या बोलता था वो थ्योरम, किसी को भी ध्यान हो तो बोलो। भैया हां, तो उसको नोट करना है, ओके नोट करना है।
सिंपल डेफिनेशन है, जैसे इंपल्स ऑफ ए फोर्स डिफाइन किए थे उसी तरह एंगल एंगुलर इंपल्स ऑफ ए टॉर्क बोल दो, बोलना है। और वहां पे बोले थे कि ऐसा मन में मत सोचना कि इंस्टेंट क्या बोलते हैं वो इंपल्सिव फोर्स होगा, तभी किसी भी फोर्स का इंपल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी किसी भी टॉर्क का निकाल सकते हैं, वो जो नाइन्थ पढ़ लेते हैं हम लोग की बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई लार्ज फोर्स लग रहा हो इंपल्सिव वाला कंसेप्ट, वैसा कोई जरूरी नहीं, किसी भी टॉर्क का तुम एंगुलर इंपल्स निकाल सकते हो। अब थ्योरम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, वहां पे क्या बोलता था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मैं इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन इनर मोमेंटम, नेट इंपल्स ऑन ए बॉडी, नेट इंपल्स ऑन ए बॉडी टोटल इंपल्स का सारा का सारा इंपल्स ऐड करते हैं तो वो अपना आता है सिंपल उस बॉडी का नेट चेंज इन मोमेंटम, सिंपल इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। उसी तरह यहां पे क्या होगा, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नहीं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, बहुत सिंपल है, तो इसमें हम टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, ये सिंपल बोलेगा चेंज इन सॉरी नेट एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ऑब्वियसली अगर नेट नहीं भी लगा रहे हो तो उसका मतलब नेट ही होता है, कोई अगर मुझे अपना फोर्स बोल रहा है मतलब नेट फोर्स का ही बात हो रहा है, तो नेट वर्ड नहीं भी लगाओ तो चलेगा, बट इम्फेसाइज करने के लिए हम लगा दें नेट एंगुलर इंपल्स का मतलब ये हुआ टोटल एंगुलर इंपल्स को निकालना, अगर चार पांच टॉर्क है तुम्हारे पास सारे टॉर्क का क्या करो अलग अलग इंपल्स एंगुलर इंपल्स निकालो इंटीग्रल टॉर्क डीटी जस्ट पिछले वाले डेफिनेशन से सभी को फिर ऐड करो तब लगाओ ये डेफिनेशन थ्योरम। मतलब जस्ट वेरिएबल्स यूज करके इक्वेशन के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल एंगुलर इंपल्स है तो टॉर्क नेट चाहिए तो टॉर्क नेट, टॉर्क नेट मतलब जितना ही फोर्सेस लगा सभी का टॉर्क इनटू डीटी, नेट टॉर्क इनटू डीटी, टाइम का लिमिट जान रहे तुम लोग वो लिमिट रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, जैसे को डेल्टा एल लिखना है तो लिख सकते डेल्टा एल में कितना का चेंज है, ये तुम्हारा एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का इक्वेशन। नेट एंगुलर इंपल्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, जस्ट इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो क्या, कैसे ये लेजे सारे जस्ट इक्वल टू आ रहा होगा, कुछ आइडिया दे सकते हो वहां पे मिल गया प्रूफ हम लोग कर देते, बहुत इजी है वैसे प्रूफ, टॉर्क इक्वल होता है ना सिंपल डीएल बाय डीटी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, टॉर्क को कर दो डीएल बाय डीटी, डीटी डीटी कट गया, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो एल आ जाएगा, अपर माइनस लोअर करोगे तो एल फाइनल माइनस एल चला जाएगा, नहीं कर रहे जान लो तुम, जस्ट यूज कौन सा इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी एक लाइन का, उसमें यूज करते थे फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, यहां पे टॉर्क इक्वल टू डीएल बाय डीटी, यूज करके प्रूव है। अब इससे थोड़ा क्वेश्चन एकाध कर लेंगे, लिखना है तो लिख लो क्योंकि क्वेश्चन एकाध कर लेते, कभी कभी लगाना पड़ जाता है ये थ्योरम कभी कभी, मीन जेई में भी कभी कभी क्वेश्चन मैं लिख ली फ्री होगा, चलो इस पे एकाध क्वेश्चन कर लेते। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन, एक डिस्क, डिस्क मतलब समझ रहे पूरा पूरा भरा हुआ है, डेटा लेके करते हैं नंबर्स लेते हैं, रेडियस मान लो इसका तुम्हें दे दिया गया है 4 मीटर, लिखते चलना पैरेलल है ठीक है सही रहेगा 4 मीटर, इसका मास मान लो डिस्क का तुम्हें दे दिया गया है 10 kg, मास ऑफ द डिस्क इज 10 kg, ठीक, यह डिस्क
हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे रखा होगा, तो मन में तुम्हारे इमेजिन होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल पे डिस्क रखा हुआ है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है वहां पे। तो हम लिख देते हैं जस्ट, ये जो डिस्क रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन, फ्रिक्शनलेस प्लेन जो बोलो, ठीक है। और अभी ये इनिशियली इनिशियली ओमेगा इक्वल टू फाइव रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, फाइव रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे, या पांच रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका, दिखा भी दिया ओमेगा को देखो, यानी अब तुमको इमेजिन होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में से डिस्क रखा हुआ, इनिशियली वो फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है सरफेस से, वो आराम से 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है इनिशियली, ठीक है। ये इनिशियली का सीन, अचानक से क्या हुआ, इस डिस्क पे हम बाहर से कोई फोर्स लगा, अचानक से डिस्क पे यहां पे टेंजेंशियली एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ट्वेंटी न्यूटन, एक से अधिक फोर्स भी लगाया जा सकता है, तो तुमको सबका टॉर्क ऐड करना होगा, जस्ट लेना है तो ले, 20 न्यूटन लगा दिए और एक यहां पे क्या किए तो नीचे इधर की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ऑब्वियसली फोर्स जब नहीं लग रहा था तो 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा था आराम से, जो ही फोर्स लगेगा टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो इसका ओमेगा चेंज होगा उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तुमसे बोला गया है 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद इसका ओमेगा चेंज होगा कितना होगा, 5 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क After 5 सेकेंड या 2 सेकेंड जो भी लेना ले लो, 2 सेकेंड ही कर लो, कुछ ज्यादा ले लो, 2 सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड बोला गया निकालने। तो देखो सॉल्व कैसे करें, बहुत इजी है, देखो हमें सिंपल जो भी जस्ट पढ़े हैं एंगुलर मोमेंटम वाला जो इंपल्स एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, वो इक्वेशन लगाना, तुम्हें इंपल्स मोमेंटम में क्या होता था वेलोसिटी पूछ लेता था, यहाँ वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तुम्हें सिंपली वो इक्वेशन लगाना है भाई, जितना भी टॉर्क है उनका इंपल्स निकालो, इंपल्स मतलब एंगुलर इंपल्स रोटेशन पढ़ रहे हो, इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल टॉर्क, तो देखो हम वही करने वाले हैं, इक्वेशन हम लिखे नेट एंगुलर इंपल्स, ओमेगा फाइनल 1 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, माइनस 1 हो सकता है, तो माइनस आया मतलब तुम जिधर मानोगे उसका उल्टा और कुछ है नहीं, इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, रैंडमली हम डेटा नहीं, हमको आंसर भी पता है, ठीक है तो देख लेते हैं, सही होगा वैसे इतना कर ही पाओगे तुम लोग, एंगुलर इंपल्स, चलो इंपल्स निकालते हैं, 20 न्यूटन का हमें इंपल्स निकालना है इस सेंटर के अबाउट, किसके अबाउट ये रोटेशन कर रहा हूं, तो भाई पहले टॉर्क निकाल लो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 2 सेकंड से, तो 20 न्यूटन का टॉर्क होगा, 20 इनटू ये डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस 4, 20 इनटू 4 ये हमको लग रहा है, 20 इनटू 4 20 वाले का ये टॉर्क हो गया, बट इंपल्स तो होता है टॉर्क इनटू टाइम, तो टाइम भी लगाते हैं 2 सेकंड का, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का ध्यान रखना, यहाँ पे देखो आर ऐसे है, एफ ऐसे है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ये समझ पा रहे हो कि अपनो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंफर्टेबल हो ना इसमें, जी हाँ, तो इसमें हम टाइम लगे, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि साइंस का गड़बड़ करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 20 न्यूटन का इंपल्स, हमें चाहिए नेट इंपल्स,
इंपल्स इंपल्स बार बार बोल रहे हैं, एंगुलर इंपल्स ही समझ लो, फिर रोटेशन पढ़ रहे हो। 50 न्यूटन का निकालना है भाई, 50 इंटू पहले से टॉर्क निकाल लो, इंपल्स होता है टॉर्क इंटू टाइम, तो 50 इंटू रेडियस हो गया 4, ये तो हो गया इसका टॉर्क, 50 इंटू 4 ये तो हो गया इसका टॉर्क, इंटू टाइम इसके लिए भी 2 ही सेकंड, टाइम तो सबके लिए दो सेम ही रहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई आर इधर है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ प्लस हो जाएगा पीछे, तुम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिए, इज इक्वल एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, आंसर 8 आएगा, देख लो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, देखो तो -160 +400 240 आ जाएगा, बिल्कुल सर 240 प्लस मैम 240 इज इक्वल टू एल फाइनल, भाई प्योर रोटेशन कर रहा है तो फाइनल ओमेगा हमें नहीं पता, मान लेते फाइनली इसका ओमेगा क्लॉकवाइज में कुछ हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मानना वैसे मान लो, फाइनली क्लॉकवाइज घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा नहीं पता है, तो मान लेते हैं क्लॉकवाइज ओमेगा जैसे मानना मान लो, बट उनको साइंस ध्यान रखना होगा कि ओमेगा क्लॉकवाइज भी हो तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज भी हो तो प्लस, हम क्लॉकवाइज मान रहे हैं ओमेगा, ये फाइनल ओमेगा मान रहे हैं, ओमेगा फाइनल ये ध्यान रखना, ये ओमेगा माने हैं 2 सेकंड बाद कुछ हो जाएगा जो हमें नहीं पता, तो अगर ओमेगा माने हैं तो एंगुलर इंपल्स फाइनल क्या हो जाएगा, आई टाइम्स ओमेगा, जी भैया प्योर रोटेशन, आई तुम निकाल सकते हो डिस्क का एमआर स्क्वायर बाय 2, हम आई को आई रहने देते हैं, तुम लोग अपना वैल्यू पुट करना है वगैरह जो भी, आई टाइम्स ओमेगा, बट ओमेगा यहाँ पे क्लॉकवाइज माने हैं फाइनल, तो पीछे माइनस, मतलब जब तुम फॉर्मूला याद किए हो y टाइम्स ओमेगा एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें ओमेगा का साइन भी तुम्हें देखना है, ये हो गया फाइनल फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल फिर वापस से आई ओमेगा फॉर्मूला, आई इंटू ओमेगा कौन सा लेंगे अब इनिशियल, इनिशियल वाला ओमेगा, तो इनिशियल वाला ओमेगा कहां से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया इनिशियल ओमेगा 5, बट ये क्लॉकवाइज दिया है तो फिर -5, इन सब में गड़बड़ करोगे तो फिर कितना बचा आने के बाद भी, इसलिए गलती कर देता है एग्जाम में, लगाएगा सब कुछ सही ठीक है, प्लस माइनस गड़बड़ करेगा इक्वेशन से आंसर ही गलत आएगा, अब यहां से तुम्हें आई तुम निकाल सकते हो एमआर स्क्वायर बाय 2, अगर हम आई निकाले यहां से तो मास इसका 10 दिए हुआ है, आई यहां हम लिख रहे मास इंटू रेडियस स्क्वायर, तो 10 मास हो गया इंटू रेडियस हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, 80 आ रहा है आई का वैल्यू, आई यहाँ पे 80 पुट करो और ओमेगा निकालो, तो यहाँ से ओमेगा फाइनल आ रहा है 2 सेकंड बाद का ओमेगा, यहाँ 80 पुट करेंगे तो प्लस 400 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 400, माइनस 160 बाय माइनस 80 2 आ रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड, 5 से घट के इसका ओमेगा 2 सेकंड बाद 2 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, यूनिट हम नहीं लिख रहे ओमेगा का, बट यूनिट तुम लोगों को लिखना, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड ठीक है, अब तुम लोग गलती कहाँ कर रहे थे, दो बार बोले दो बार में कितना आंसर गलत आया, साइन में गड़बड़ कर रहे हो क्या, जी साइन, हाँ तो ध्यान रखो ध्यान रखो, हम बार बार इस चीज को बोले, जहां से हम लगाए वहां पे तुमको पुली वाला ही पढ़ा था वहां पे ही बोले हुए थे साइंस वगैरह के बारे में, टॉर्क इक्वल टू अल्फा वाले में, मैं इनिशियल ओमेगा का हालांकि जनरली ये होता है, बट जितना जल्दी जो सुधार कर लो उतना अच्छा रहेगा, हम लोग के साथ भी हो जाता था उस टाइम साइन वगैरह का, बट सही हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब तुम जब लगा रहो तो पढ़ो मुंह से आवाज भी निकालो, कोशिश करो बोल के नहीं, एटलीस्ट मन में सोचो बोल रहे आई टाइम्स ओमेगा, तुम्हारा मन जाएगा ओमेगा मत ओमेगा देखना है क्लॉक वाइज, ऐसे कर रहे हो डायरेक्ट नहीं फॉर्मूला लगाते, आई ओमेगा हमको याद है लिख दिए सीधा, वो नहीं आई ओमेगा मतलब आई टाइम्स ओमेगा विद साइन, ऐसे दिमाग में रखो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क विद साइन इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा विद साइन, ऐसे जान लो ये अल्फा आए टॉर्क आए ओमेगा आए ये सब जहां आ रहा है विद साइन मन में तुम्हारा चलना चाहिए, जब भी तुम कॉपी पे लिखो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा साइन, तुमको देखना है साइन देखना मतलब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज देखेंगे, चलो तो ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड आ गया, इसी क्वेश्चन को अपने से घुमा क्या पूछा सकता है, देखो 5 से घट के कितना हो गया 2, बोलेगा कितने देर बाद इसका ओमेगा 0 हो जाएगा, ये वी को लीजिए फाइनल ओमेगा 0 लेना यहाँ पे, ये फाइनल ओमेगा 0 लेना,
और 2 सेकंड तुम्हें नहीं पता कितना टाइम टाइम को टी लेके चलना, इक्वेशन 3 में आ जाएगा फिर, ये 2 की जगह क्या हो जाएगा टी, 2 की जगह क्या हो जाएगा टी, फाइनली रुक गया तो फाइनल ओमेगा 0। समझ रहे हो क्या तुम? सारा क्वेश्चन क्लास में नहीं करवा सकते, ठीक है? जी भैया, चलो ठीक है। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन वगैरह बुक वगैरह ऐसा तुमको मिलेगा इसी का वेरिएशन लग रहा है, यही लगाना होगा, कभी टाइम निकालने को पूछ लेगा, कभी ओमेगा पूछ लेगा, उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से टाइम दे दिए। जब ओमेगा तुमसे पूछ लिया, तुम्हें बोल देंगे फाइनली रुक गया, रुक गया मतलब फाइनल ओमेगा तुम्हें दे दिया, पूछने कितने देर बाद ये होगा टाइम बता दो, उल्टा जस्ट उसका। चलो ठीक है, फिर तो एंगुलर इंपल्स मोमेंटम तुमको यहाँ पे क्लोज करेंगे, कभी कभी ये लगाना पड़ जाता है, जनरली इजी होता है, तुम्हें फोर्सेज वगैरह दिया रहेगा बहुत इजी होगा। अब इसी में इंटीग्रेशन लगाना होगा जबरदस्ती का, ये फोर्स जस्ट हम वेरिएबल कर देंगे, बोल देंगे फोर्स लगाया जा रहा है जो 60² - 3t + 2 जैसा कुछ है, अब लो उस पे कुछ कुछ वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवा सकता है, तो वो तो हर जगह ही स्कोप है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हर जगह स्कोप है, जहां पे भी इक्वेशन आ रहा है समझ जाओ वेरिएबल डाल के तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लेके जा सकता है, वो चाहे काइनेमेटिक्स हो चाहे एनएलएम हो चाहे कुछ भी, जहां पे भी इक्वेशन आया डेरिवेटिव जैसा टॉर्क इक्वल टू डीएल बाय डीटी डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन, वहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का स्कोप है, मैथमेटिकल इक्वेशन को घुमाया जा सकता है फंक्शन वगैरह देख करके, वो हर जगह किया जा सकता है, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तो उसके लिए तुमको रेडी रहना है, पूरा का पूरा हर चैप्टर में कोई ना कोई इक्वेशन वैसा आ ही जाता है जहां पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन लग रहा हो। कल हम लोग इक्वेशन किए भी थे शायद, देखे थे तुम लोग जेईमेंस वाला कोर्स वेरिएबल देखे, तो सब क्वेश्चन तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना है, देखो बुक्स वगैरह में कहीं अगर दिया हुआ है तो बनाओ, नहीं बनता फिर डिस्कस करो, सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बट फंडामेंटल जो उसमें लग रहा है बेसिक कंसेप्ट वो हम तुम लोगों को क्लास में बता दें। चलो ठीक है, फिर तो प्लान तो मेरा आज इतना ही पढ़ाने का था, तो ये कुछ जल्दी ही हो गया, 25 मिनट में ही कर लिए, तो आगे का कुछ हम पढ़ाने वाले आज नया प्लान में तो नहीं है, ठीक है, वैसे पता था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन सामने पढ़ा ही हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे है और इसी का एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो एक बार, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन वही लगाना है तुमको इसके बाद भी जो क्वेश्चन है, टोटल टॉर्क, सॉरी टॉर्क बोल रहे हैं, इंपल्स एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब पढ़ो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन हम समझा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, घर पे जाके वापस से ट्राई करना, बताते हैं उसका। चलो देखो, फिगर्स शोज टू सिलेंडर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, रेडियस दिए R1 R2 को देख रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया R1 एंड R2 अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, मतलब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो MR²/2 याद किया तुम लोग, वो तुम्हें नहीं याद करना, वैल्यू ही दे दिया क्वेश्चन में, I1 दे ही दिया तुम्हें, सीधा I1 ही लेके चलो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया फर्स्ट इसका I1 लेना, जिस सिलेंडर बोल रहा है एक्चुअली सिलेंडर है इसका I2, दोनों इनिशियली ओमेगा 1 से और ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, द सिलेंडर्स आर मूव्ड क्लोजर टू टच ईच अदर कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, अब क्या किया गया दोनों को एक दूसरे के करीब लाया गया, ये ओमेगा 1 से घूम रहा है ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, दोनों को लाया गया स्लोली, ये ओमेगा 1 से घूम रहा है ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, दोनों आया कॉन्टैक्ट में, जो ही ये कॉन्टैक्ट में आएगा ऐसा कुछ सीट होगा, ये ओमेगा 1 से घूम रहा है ये ओमेगा 2 से घूम रहा है, जो ही ये कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे दोनों लगाया गया एक दूसरे पे फ्रिक्शन, दोनों लगाया गया एक दूसरे पे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लगने से क्या होगा, फ्रिक्शन लगने से क्या होगा, दोनों का एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगा, ये ओमेगा 1 से पहले घूम रहा था जो ओमेगा 2 से घूम रहा था, अब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 चेंज होगा क्यों, क्योंकि यहां फ्रिक्शन लगा तो फ्रिक्शन इनटू ये रेडियस, टॉर्क आ रहा है फ्रिक्शन का, टॉर्क आ रहा है तो वो चेंज करेगा इसको ओमेगा, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा, टॉर्क आने का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम चेंज होना, बट एंगुलर मोमेंटम तुम जानते हो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में आई टाइम्स ओमेगा होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, सीधा सा बात है, आई चुकी कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो वही तुमसे बोल रहा, अब ये फ्रिक्शन जो यहाँ पे लगेगा कब तक लगेगा उस सोच सकते हो क्या? दो डिस कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन यहाँ पे कब तक लगेगा? तो रुक ना जाए तब तक। रुक ना जाए, रुक ना जाए मतलब क्या? दोनों का दोनों डिस्क एकदम जमीन पे रुक जाए पूरा पूरा, दोनों रोटेट नहीं करे, दोनों आपस में रिलेटिव मोशन ना करें। हम लोग फ्रिक्शन नहीं बोला करते तुम लोग, फ्रिक्शन ये नहीं बोलता है कि हम किसी को चलने नहीं देंगे। वो बोलता है कि जो दो सरफेस के बीच हम उन दोनों के वेलोसिटी को सेम कर देंगे, हम दोनों को जीरो करें या ना करें उसमें मतलब नहीं है, इसको भी चार कर देंगे उसको भी चार कर देंगे, हम खुश हैं। 4-4=0 ये ध्यान रखना। ये तुम नहीं बोलो कि मतलब फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब दोनों, नहीं दोनों रिलेटिव रुक जाए, मतलब ये हुआ समझना ये पॉइंट, और जो पॉइंट दूसरे डिस्क का जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में है, ये वाला पॉइंट पहले डिस्क पे भी है और यही वाला पॉइंट दूसरे डिस्क पे भी है, कॉमन पॉइंट है दोनों डिस्क में, वह कॉमन पॉइंट का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट, बाकी पॉइंट्स उसको मतलब नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही फ्रिक्शन लगता है। तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे पहले डिस्क का वेलोसिटी और उसी पॉइंट का दूसरे डिस्क का वेलोसिटी, मतलब पहले डिस्क का r टाइम्स ओमेगा सर्कुलर मोशन है, दूसरे डिस्क का r टाइम्स ओमेगा इक्वल हो जाए, तब जा करके उस टाइम जा करके फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और हम ये बोल सकते हैं उस टाइम पे दोनों डिस्क एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा। वेलोसिटी समय का मतलब क्या होगा? स्लिपिंग बंद हो गया, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा है स्लिपिंग फाइनली सीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। शुरुआत में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ होगा, तो फ्रिक्शन बोलेगा हम लगेंगे दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी को सेम करेंगे। फाइनली जब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो जाएगा, उसी को वर्ड से बोला स्लिपिंग सीजेस, मतलब स्लिपिंग अब सीज करेगा, बंद हो गया, दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। स्लीपिंग सीजन का मतलब था रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, स्लीपिंग हो रहा है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है, स्लीपिंग नहीं हो रहा है मतलब स्लीपिंग बंद, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। अगर हम फोर्स से चल रहे हैं, मेरे साथ जो कांटेक्ट में वही फोर्स से चल रहा है, तो हम बोलेंगे मेरे दो और उसके बीच कोई स्लीपिंग नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा वैसे इसमें कांटेक्ट के बीच, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। इतना सारा कुछ होने के बाद फाइनली दोनों को कोई ना कोई ओमेगा मिल जाएगा, वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना। तो ये पहला डायग्राम इनिशियल, हम मान लिए फाइनली इसका ओमेगा वन चेंज हो गए, कुछ ओमेगा वन डैश हो गया होगा, इसका ओमेगा टू डैश हो गया होगा। अपना एम क्या होगा? ओमेगा वन डैश निकालना, ओमेगा टू डैश निकालना। पहले देख लो, टाइम लो पहले, बहुत कुछ हम बोल दिए लगता है, हो सकता है बोल दिए। फाइनली ओमेगा वन ओमेगा टू, ओमेगा वन डैश पहले का हो गया और दूसरे का चेंज होगा ओमेगा टू डैश हो गया। इस पॉइंट पे पहले डिस्क पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि चेंज उसी के कारण होगा, दूसरे डिस्क पे भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता इस पे किधर लग रहा है। हम आंख बंद करके मान लेते हैं पहले डिस्क पे फ्रिक्शन लगा नीचे, दूसरे डिस्क पे किधर लगा? तुम्हें अपोजिट मानना है, एक पे ऊपर मानोगे दूसरे पे नीचे मानना होगा, तो जान लो तुम लोग एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन शॉट जी। तो किसी एक पे ऊपर मान लो किसी एक पे नीचे मान लो, वो नेगेटिव आ जाएगा बाद में, ऑटोमेटिकली तुम समझ में आ जाएगा किस पे किधर था, अभी तुम नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, ठीक है। फ्रिक्शन नीचे इधर हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब पहले डिस्क के लिए अलग लगा दो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जो पढ़े हुए एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, पहला डिस्क का इनिशियल सीन, पहला डिस्क का फाइनल सीन, दूसरे डिस्क का इनिशियल सीन, दूसरे डिस्क का फाइनल सीन, दो बार लगा, पहले के लिए अलग दूसरे के लिए अलग। जी भैया, तो पहले के लिए लगाओगे सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, बहुत इजी होगा, टॉर्क लिखना है फ्रिक्शन का, एफ इंटू आर वन इंटू टाइम टी, हमें नहीं पता टाइम कितने देर बाद ये होगा स्लिपिंग सीज होगा, तो फ्रिक्शन इंटू पहले डिस्क पे लगा रहा है एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, फ्रिक्शन इंटू पहले का रेडियस इंटू टी, टाइम टॉर्क इंटू टाइम, एंगुलर इंपल्स क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर देखो तो एफ1 का आ रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, माइनस पहले डिस्क पे हो गया एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू पहले डिस्क का चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो पहले डिस्क का
फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई टाइम्स ओमेगा वन डैश। तो पहले डिस्क का आई दे रखा है क्वेश्चन में, आई वन, तो पहले डिस्क का आई वन टाइम्स फाइनल ओमेगा है ओमेगा वन डैश, जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही माने हैं, तो साइन हमारा प्लस ही रहेगा। माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट डिस्क, वापस से फिर फर्स्ट डिस्क का आई इनटू इनिशियल ओमेगा, इनिशियल ओमेगा क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज ही दिया ओमेगा वन, तो उसका भी हमें साइन का टेंशन नहीं, प्लस ही होगा। फाइनल माइनस इनिशियल, फर्स्ट इक्वेशन एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पहले डिस्क के लिए लगा दिया, सिमिलरली दूसरे डिस्क के लिए लगाओ एंगुलर इंपल्स थ्योरम। तो दूसरे डिस्क का फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, अब ये सब खुद से देखना, फ्रिक्शन इनटू उसका रेडियस हो जाएगा आर टू, टाइम तो सेम ही रहेगा जो कॉन्टैक्ट में दोनों सेम ही टाइम ले रहा होगा, इज इक्वल दूसरे डिस्क के लिए लगा रहे हैं, दूसरे डिस्क का फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई टू टाइम्स ओमेगा टू डैश, जो हमें नहीं पता ओमेगा टू डैश, आई टू दूसरे का आई इंटू दूसरे का फाइनल ओमेगा, फाइनल ओमेगा है ओमेगा टू डैश, ओमेगा टू डैश क्लॉकवाइज डायग्राम में देख पा रहे हो क्या? जी भाई, नेगेटिव हो गया, माइनस ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस, एक तो फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल लिखेंगे दूसरे का तो आई टू टाइम माइनस ओमेगा, बिल्कुल सही, माइनस में, माइनस में ओमेगा टू, चूंकि ओमेगा टू क्लॉकवाइज दिया हुआ इनिशियल जो क्वेश्चन में दिया है उसमें ओमेगा टू क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो माइनस के साथ है। ये दूसरा इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करके फाइनल ओमेगा निकालना है, मतलब ओमेगा वन डैश ओमेगा टू डैश, क्या सिर्फ इन दो इक्वेशन से काम बन जाएगा सॉल्व करने से? जी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, करके देखना। तीसरा इक्वेशन तुम्हें वो भी लगाना होगा कि स्लिटिंग बंद हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वेलोसिटी पहले डिस्क पे जितना होगा उतना ही दूसरे डिस्क पे होगा, सीजिंग का कंसेप्ट भी लगाना। तो पहले डिस्क से अगर तुमसे पूछे किस पॉइंट का क्या वेलोसिटी होगा, तो तुम बोलोगे पहले डिस्क का रेडियस इनटू पहले डिस्क का ओमेगा, इक्वेशन हो जाएगा आर वन टाइम्स, फाइनली वेलोसिटी सेम हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आर वन टाइम्स फाइनल ओमेगा ओमेगा वन डैश इज इक्वल टू आर टू टाइम्स ओमेगा टू डैश। फाइनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब सर्कुलर मोशन में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, ये तीसरा इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करना, फ्रिक्शन इसको तो डिवाइड कर दो सेकंड को थर्ड से, फ्रिक्शन भी कट जाएगा टाइम भी कट जाएगा डिवाइड करने से, जी फिर उसको ये वाला इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेना, ओमेगा वन डैश भी आएगा ओमेगा टू डैश भी आएगा, जी भैया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे तुम्हारा सीखने के लिए ये है साइंस वगैरह कैसे देखना है और फिर इक्वेशन में कैसे निकाल रहे टॉर्क वगैरह, ये सॉल्व करने बाद वो मैथ्स हो जाता है, फिर इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो, साइंस वगैरह में यहाँ पे गड़बड़ करोगे इन सब में तो फिर तो तुम्हारा पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। और सोच के देखो लंबा है, तीन इक्वेशन है, अगर तुम इसमें गलती कर दिए तीन इक्वेशन में सॉल्व करने भी तुमको टाइम थोड़ा लगेगा, वो टाइम भी तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा अगर तुम इसमें साइंस में गड़बड़ करते हो, इवन एग्जाम में भी आने के बाद अगर तुम यहाँ मिस्टेक किए तो आएगा उतना टाइम भी तुम्हारा लेगा वो इक्वेशन सॉल्व करने में, और उसके बाद भी तुम्हारा इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना, और कर सकते हो इस वक्त क्विकली करो, मेरे पास आंसर है नेक्स्ट पेज में। जी बोलते हैं थर्ड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो और जो इक्वेशन आया उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा ओमेगा वन डैश ओमेगा टू डैश। तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, जो आए सिंपल आएगा कटाओगे तो देखो एफ एफ कट गया टी टी कट गया माइनस आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू, इन दोनों में आई वन कॉमन आ जाएगा इन दोनों में आई टू कॉमन आ जाएगा, डिवाइड करके फिर सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा। आंसर आएगा किसके टर्म्स में, जो वेरिएबल्स दिया है क्वेश्चन में आई वन आई टू आर वन आर टू इनके टर्म्स में आंसर आएगा, आई वन आई टू आर वन आर टू के टर्म्स में तुम्हें क्या निकालना है, ये फाइनल ओमेगा ओमेगा वन डैश ओमेगा टू डैश, ये हमारा वेरिएबल है।
चलो ठीक है फिर, तो कुछ नहीं किए दोनों डिस्क के लिए, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाया प्लस इस कंडीशन को यूज किया, तीसरा इक्वेशन फाइनली स्लिपिंग बंद हो जा रहा है, मतलब पहले का आर ओमेगा इज इक्वल टू दूसरे का आर ओमेगा, उस पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो जा रहा होगा ताकि फ्रिक्शन लगना बंद हो जाए। स्लिपिंग सीज होने का मतलब स्लिपिंग स्टॉप हो गया, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब इसका जितना वेलोसिटी है उतना ही वेलोसिटी इसका है ताकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ जाए, ये ध्यान रखना। ये आगे भी आएगा, हम लोग सीआरटी में भी पढ़ेंगे तो स्लिपिंग वाला कंसेप्ट आने वाला है। और ये फ्रिक्शन वाला कोई बात ये ध्यान से हटा लो, कोई बोलता है फ्रिक्शन क्या करता है, सब बोलता है फ्रिक्शन किसी को चलने नहीं देना चाहता, नहीं फ्रिक्शन चाहता है वो जिसके साथ कांटेक्ट में उसके साथ ही चले, वो ये चाहता है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो चाहता है फ्रिक्शन, ना कि वेलोसिटी जीरो करना चाहता है, ये ध्यान रखना। और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का मतलब होता है दो चीज का वेलोसिटी सेम होना, v1 माइनस v2 जीरो हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि v1 भी जीरो और v2 भी जीरो, v1 इक्वल टू v2, v1 भी चार हो जाए v2 भी चार हो जाए, 4 - 4 जीरो हो जाएगा या 10 - 10 जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है फिर इसको कर लो सॉल्व, क्लोज हम लोग यहीं पे करेंगे आज की क्लास को। घर पे जाना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हम इतना कंफर्टेबली बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम में किसी के लिए भी थोड़ा चैलेंज होता है, उतना भी तुम्हें कंफर्टेबल नहीं कर रहे जो लोग खास कर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो होता है हमारे साथ भी हुआ तुमको भी याद है, बट जब प्रैक्टिस थोड़ा करो घर पे जाओ सेम डे टाइम देना पड़ेगा तुमको, और तुम जो कंपाइल कर लोगे 4 दिन 5 दिन तक और छोड़ दोगे फिर उसके बाद तो फिर बर्डन हो जाएगा तुम्हारे लिए, सेम डे जाओ सेम डे मेहनत करो, बुक खोलो देखो इसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ डिस्कस करो सेम डे हमसे व्हाट्सएप पे या जैसे तब इम्प्रूवमेंट होगा, पेंडिंग नहीं रखना। चलो ठीक है फिर आंसर यहाँ है नेक्स्ट पेज में, स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो, जस्ट सॉल्व करना इक्वेशन को मैच कर लेना आंसर। अब यही क्वेश्चन जस्ट नंबर्स वगैरह हम दे देंगे तो एक फाइनल आंसर सॉल्व होकर कुछ आ जाएगा, तुम्हें दे देंगे पहले डिस्क का मास रेडियस तो उसका आई वन निकाल सकते हो, ओमेगा वन दे देंगे 5 रेडियन पर सेकंड, तो पुट करो और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जैसे है बहुत सारे को क्या कर, बहुत सारा टीचर भी ऐसा करता है ये फॉर्मूला याद करवाता है बच्चा को, खास कर नीट उठ के ये वाला बोलेगा याद कर लो, एग्जाम में देगा अगर आई वन आई टू तुमको क्वेश्चन में सीधा याद रहेगा, पुट कर लेना रेडियस वगैरह दिया रहेगा पुट कर लेना फाइनल ओमेगा डायरेक्ट आ जाएगा, करवाता है वो तो नीट के लिए खास करके बोला इससे वजन डायरेक्ट आता है नीट में तो याद रहता है डायरेक्ट सारा वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि 3 इक्वेशन बहुत सारा बच्चा खास करके बायो वाला उतना कंफर्टेबल नहीं होता है सॉल्व करने में इक्वेशन, तो लोग वैसे भी सजेस्ट किया हमको वो सही नहीं लगता पर ठीक है टीचर तो रिजल्ट को देख के बता दे। फिर इसमें कुछ घुमा दिया थोड़ा सा भी घुमा दिया फॉर्मूला काम नहीं किया तो फिर गए काम से बेसिक नहीं आ रहा, यही फॉर्मूला क्या होता है सीधा सीधा वही केस वाला क्वेश्चन दिया सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया तुमको बेसिक नहीं पता फिर छोड़ दो क्वेश्चन, इसलिए बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो नया भी क्वेश्चन आएगा तो चांसेस ज्यादा है, टाइम लगे बट कर लो। चलो ठीक है फिर हम क्लोज करेंगे इसको, देख लेना घर पे जाकर के क्लोज कर रहे हैं।